इंस्पेक्टर गुलाब तिवारी की माफी मांगने के बाद प्रशासन व हिंदू संगठन सहित विश्व अखाड़ा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रभारी महंत बाबा रामदास महात्यागी बैरागी महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कैलाशानंद महाराज के सामंजस्य के बीच कल देर रात धरने का समापन हो गया। आपको बताते चले, पेगासस हॉस्पिटल व SI गुलाब तिवारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से रामलीला मैदान हकीकत नगर में साध्वी सविता जमुनादास तथा हिंदू संगठनों के द्वारा महाधरना दिया जा रहा था, जिसमें शासन प्रशासन के आला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, SP सिटी, CO सिटी तथा अन्य अधिकारी की मध्यस्थता कराकर व SI गुलाब तिवारी से माफी मंगवाकर कल 16 सितंबर को देर रात धरने का समापन करा दिया गया। इस बीच हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू संगठनों, दलित पिछड़ा वर्ग के शुभम पंडित, सुदेश चौधरी, नितिन भारद्वाज, पूजा त्यागी, राखी चौधरी, राहुल कुमार सहित सैकड़ों धरना सहयोगी उपस्थित रहे। रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जैसा कि आपको बताया था कि ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप तैयार है, ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देते हैं। यहाँ पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब, CO साहब, SP सिटी साहब और धारा तो मैंने बताया था, धारा बढ़ा देंगे हैं और लग रहा है कि धरना जो है माता जी की गुरु माता जो है वो अब उठने वाली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा लगातार आप दिखाते रहिए कि जो जो अधिकारी आए हैं और काफ़ी काफिला आया है यहाँ पर और जल्दी ही अब जो है निर्णय आपके सामने होगा। मेरे साथ बने रहिए। 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन के बाद अब आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, अब क्या फैसला निर्णय लिया गया है बताइए। देखिए, हमारा निर्णय तो मृत्यु पर्यंत तक भी वही रहता, हम नहीं उठते, लेकिन हमारा परिवार, हमारे महाराज हमारे बीच आए हैं। आज हमने पुलिस प्रशासन को भी चेता दिया था कि हमारा लास्ट ये होगा, हम अखाड़े के संत बुला लेंगे। फिर भी हमने क्या किया, अपने महाराज हमने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा और सारे अखाड़े नहीं बुलाए। क्यों, हम भी नहीं चाहते प्रशासन में व्यवस्था पहुँचे और आम जनता प्रभावित हो और इन लोगों के ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर कोई गाज बोल जाए, हम भी नहीं चाहते। हमारे महाराज हैं, संत समाज से हैं भाई, और हमारा भी एक जो स्वभाव है, हम भी नहीं चाहते कि किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन जो गलत है उसको बख्शेंगे। हमारे महाराज ने आश्वासन दिया है और यहाँ पे आश्वासन प्रशासन दे रहा है। गुलाब तिवारी के लिए हमने लाइन ऑर्डर और क्या बोलते हैं, निलंबित 1 महीने के लिए मांगना था, लेकिन सभी हमारे जितने भी यहाँ पर, मैं बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे समर्थन में जितने भी लोग थे जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं वो भी, उनका मैं हृदय से आदर मान सम्मान रखते हुए आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने बोला है, जबकि उसको चलिए क्षमा कर दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जीवन में कभी ऐसा दुर्व्यवहार ना करें किसी के भी साथ, कोई साधु हो या कोई व्यक्ति, कोई भी विशेष। तो कोई भी, जैसे आपने गुलाब तिवारी जी को माफ कर दिया, पेगासस के लिए आगे क्या करना है? पेगासस की कार्रवाई हम CM के थ्रू करेंगे। हमारे अखाड़े, हमारे महाराज, इनका निर्णय जो है, इनका निर्णय ये सोचेंगे और हम और डिसीजन ले लेंगे, नहीं तो हमारा डिसीजन हमने बताया था क्या था। लेकिन आज हमारा परिवार आया है, हमने अब सूचना दी थी, आज ही हमने परिवार को रात में सूचित किया था। तो हमारा परिवार, क्योंकि बुलाने को तो हम कितने भी, हमारे इनसे झेले नहीं जाएंगे, हमारे इतने लोग आ जाएंगे, तो माता जी आज, लेकिन हमारे प्रमुख आ गए हैं, हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, उसी भांति आज धरना को विराम दिया। अब हमारे, क्योंकि महाराज का हम सम्मान रखेंगे, हम अपने परिवार का सम्मान रखेंगे, तो जब इन्होंने आश्वासन दिया ही नहीं, करके दिखाएंगे। पेगासस का जो एक होटल और एक कतल खाना है और जो एक क्या बना होटल है और एक हॉस्टल बना हुआ है ना, और एक व्यापार का धंधे का कसाई खाना बना हुआ है ना, इसका जो लाइसेंस है वो रद्द अब हमारे अखाड़े से करें, हमारा CM से कराया जाएगा। अब ये डिसीजन उधर से होगा, CM को और पेगासस को देखना अब हमारे अखाड़े का काम। बाबा रामदेव जी, आपको कब पता लगा कि शादी कोई सा, और हमें पता लगा कि हमारी जो शादी हैं इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और कोई हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में पेगासस नाम से कोई हॉस्पिटल है जो पूरे नॉर्म्स पे है नहीं, फिर भी वो हॉस्पिटल चल रहा है। ICU में काफ़ी क्लीन, ICU काफ़ी क्लीन रहता है और बताया जा रहा है कि वो क्लीन भी नहीं था, और हॉस्पिटल में जो लोग
थे उनका उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार हमारी शादी का किया। तो हम लोग अखाड़े में काफ़ी साधु संघ में बैठे थे, तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि अभी तुरंत साध्वी जी के पास पहुंचा जाए, साध्वी जी को आश्वासन दिया जाए और जो पेगासस के ऊपर जो कार्रवाई होगी, जो उचित कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर होगी। तो हम मुख्यमंत्री से बात करके, मुख्यमंत्री जी से बात करके हम उस कार्रवाई को करेंगे। ये साधु जी थी, एक पेगासस हॉस्पिटल से का मसला था, उसको लेके नाराज होके यहाँ पे धरना प्रदर्शन। आज उनसे हम लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया गया है कि वो उनकी जो भी कंप्लेन है उसको सही तरीके से उसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे इस आश्वासन पे वो संतुष्ट हुई है, अपना समाप्त किया। और जैसे कि गुलाब तिवारी जी के भी ऊपर उन्होंने, हाँ उनसे भी उनके खिलाफ भी उनका एक था, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते उनके लाइन हाजिर कर दिया गया। और आज गुलाब तिवारी भी वहाँ पे पहुँचे हैं और उसके बाद वार्ता हुई है उनके, उनसे भी साधु जी है संतुष्ट। ग्रुप में एक फोटो आ जाएगा सुरेश कुमार को, सर आइए। सर ये पांच दिन साहब कहाँ चले गए मोदी जी? आज धरना समाप्त हो गया है जी। और जैसा आपने पूछ ही लिया है, मुझे पुनः प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, आज समाप्त हो गया।